राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान के 12 जिलों में आज आंधी और बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में गिर सकते हैं ओले। राजस्थान में बदलते मौसम के बीच एक्टिव पश्चिम विक्षोभ की वजह से आंधी के साथ साथ बारिश हो रही है। ये हालात अगले 48 घंटों तक राजस्थान में रहेंगे, जिससे जयपुर समेत राजस्थान के 16 जिलों में मौसम में बदलाव दिखेगा और अगले 24 घंटों के दौरान 4 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग की ओर से यहां पर जानकारी दी गई है। दरअसल मौसम विभाग के अंदर जयपुर के मुताबिक पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक्टिव नए पश्चिम विक्षोभ का असर राजस्थान में अब दिखने लगा है। वही जयपुर, कोटा और उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में अगले 48 घंटों में बारिश और आंधी चलेगी। अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर, बूंदी और बारा, धौलपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर जिले और इसके अलावा यहाँ पर टोंक, चूरू और नागौर, श्रीगंगानगर, पाली और बीकानेर, जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। यह 24 घंटों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। इस दौरान दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर जिले में ओले भी गिर सकते हैं। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है, यानी इन इलाकों में यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है कि यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट हो सकती है। हालांकि 24 मई के बाद प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क होगा, यानी कल से जो मौसम है वो एक बार शुष्क होने लगेगा। वही 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में तापमान 45 डिग्री पार हो सकता है। इस बीच धौलपुर में 45 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला या फिलहाल यहाँ पर धौलपुर भी बना हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार सोम हुई बारिश के बाद तापमान में राजस्थान में 3 से 4 डिग्री गिरावट कई जिलों में देखी जा रही है। राजस्थान में जो तापमान में गिरावट है वो लगातार यहाँ पर कई जिलों में देखी जा रही है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में तापमान में गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। वही मौसम विभाग के अंदर के निदेशक राजश्याम शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान में एक्टिव हुए नए पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान में ये जो मौसम में बदलाव है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वही शर्मा ने बताया कि नए पश्चिम विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा जयपुर, अलवर और भरतपुर, बूंदी और धौलपुर, इन इलाकों में सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में आज भी जो प्री मानसून की बारिश है वो जारी रहने की संभावना है। वही बिहार समेत 5 राज्यों में ओले और बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है और बिजली का अलर्ट को लेकर भी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि और राजस्थान में ओलावृष्टि और यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। वही कई राज्यों में तेज हवा चल सकती है, जिससे तापमान जो है वो यहाँ पर तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। वही बुधवार से नौतपा शुरू हो रहे हैं, इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलाव जो मौसम का बदलाव है वो देखने को मिलेगा और कल रविवार को कई इलाकों में बारिश हुई है। रीवा और उमरिया में 2-2 mm बारिश हुई है। इसके अलावा मलाजखंड और जबलपुर, ग्वालियर, सतना और खुजरों में कई कई बारिश हुई है। इससे प्री मानसून एक्टिव के तौर पर देखा जा रहा है। वह भोपाल, रीवा, सागर, चंबल और इसके अलावा जबलपुर, कटनी, उमरिया और बालाघाट समेत कई जिलों में बारिश हुई है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में प्री मानसून की एक्टिविटी यहां पर जारी है। वहीं पटना को छोड़कर 25 जिलों में जमाझम बारिश हुई है, जिससे पारा जो इस इलाकों में यहां पर पारा है वो 5 डिग्री तक गिरा है। लेकिन अभी उमस से राहत लोगों को मिलने वाली यहां पर नहीं है, यानी उमस से लोगों को फिलहाल बिहार में राहत के कोई आसार नहीं है। वहीं यूपी में भी मौसम विभाग ने कानपुर सहित यूपी के 16 जिलों में बारिश का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताया गया है।